डालो। इन्हीं ज्यादा डालो, मेरी छलकनी थी। मैनू पार लगा दे वे। जिंदगी सरल गाँव में है घर मुझ में सफर, तुझको खबर अपने ख्वाबों को पूरा करने का सफर। दुनिया जानती तेरा भाई, अब पहाड़ों की आवाज, थोड़ा वक्त लगा लेकिन हम भी तो नवाज। क्या हेलो, व्हाट इज अप एवरीबॉडी, इट्स मी राहुल। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के साढ़े सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और हमारा है भैया लस्सी बनाने का प्लान। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल है एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माउंटेन डायरी। तो कैसे हो सारे बंदे, आई होप कि गाइस अच्छे होंगे। तो ये एपिसोड काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, आपके लिए और हम सबके लिए, क्योंकि आज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हमको भैया लस्सी पीने को मिलेगी और वो बनाएगी मेरी सिस्टर मुरारी लाल। ना मुरारी लाल नहीं यार, वो बनाएगी भैया मेरी सिस्टर सृष्टि। बट उससे पहले एक काम और करना है, यहाँ पे ये एलोवेरा लेके आ रखी है तो उसको लगाना है, ठीक है, एक गमले टाइप में, गमले नहीं बस टिन काट के कंटर में, मतलब कंटर काट के उसको ऐसा गमला टाइप का बना दिया। तो वो दिखाते हैं आप लोगों को और उसके बाद फिर लस्सी बनाते हैं। एंड इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आप लोगों को ब्यूटीफुल माउंटेन दिखने वाले हैं, तो भैया मिस मत करना, शुरू से लेके वीडियो को लास्ट तक देखो और चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो भैया शुरू करते हैं। यहाँ से ये है गोबर, प्रिपरेशन पे अगर हम जाएं तो ये है गोबर, ये है वो छोटा सा गमला, इधर दिखाइयो पौधा दिखाइयो। हाँ तो ये है पौधा, कुछ इतना सा, अभी बड़ा फैलेगा, ये फैलने वालों में से है भाई ये। और ये है हमारा माली, गड्ढा करेंगे उसके लिए, खाई बना देंगे, खोद देंगे, दफना देंगे। हाँ तो यहाँ पे ये लगाना शुरू कर दिया, आप लोग ये देख सकते हो ये लग चुका है, ठीक है, लग गया है, लग ही गया है, बस लगी ही नहीं, मिलेगी नहीं, नहीं सही, एकदम परफेक्ट जे बात। तो अब डाला जा रहा है भैया गोबर, ठीक है, और डाल दो, मतलब फटाफट डाल दो यार। तन्नी बजो यार तुम्हें। तो हाँ जी भाई लोग, जो एलोवेरा का पौधा है वो लग गया है, डन। तो अब बनाते हैं लस्सी और आप लोगों को भी दिखाते हैं, तो चलो फिर। तो गाइज, लस्सी बनाने के लिए यहाँ पे हमने ये प्रिपरेशन करी है, इसमें है भाई मट्ठा, ये गिलास, इसमें चीनी, इसमें नमक और इसमें अभी कूटेंगे पुदीना, पुदीना लेके आऊंगा मैं और एक बंदा जो इसको बनाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिर बनाना। हाँ कर दू यार, हाँ डाल दू पहले ही बस। तो सबसे पहले डालेंगे भाई मट्ठा, भर गया यार ये बात, लगी यार। चल चल तू ना, अब ये तो रहेगी, चीनी ज्यादा डालो, मेरी छलकनी थी। ज्यादा डालो तो बहुत चले, ये तो आ गया मेरे काम का। अब ये घर का पिसा हुआ नमक है भाई लोग, आप देख सकते हो, डाल एक चम्मच डाल, थोड़ी और डाल, अब तो ध्यान है यार, कम कर। अच्छा अब बनाओ, अब बना ले लस्सी, पड़ोना ये पड़ोन तुर जी बात, लेकिन जीरो दुर्गा लस्सी वो नहीं बनो, नहीं यार वो नहीं बनो, मैनू पार लगा दे वे। हेलो
क्या लेकर। हाँ जी भाई लोग, तो लस्सी बन रही है भाई यहाँ पे, और अब मेरे को लेके आना है पुदीना, तो चलो ले लो पुदीना। हाँ जी, तो भाई लोग ये है भाई पुदीना, ठीक है, और यहाँ पे हम निकालने वाले इसको फटाफट, ये लस्सी में लगा देगा चार चांद। हमारे साथ एक हेल्पर और है, पुदीना डाल के एकदम परफेक्ट बन चुकी है भैया लस्सी, ठीक है। जी, तो भाई लोग मेरे लिए ये गिलास तैयार हो चुका है लस्सी का, ठीक है, वो कुछ भी लुटे नहीं पियानी। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये, और अब इसका रिव्यू करेंगे हम। कैसा हो रहा था? जहर हो रहा अल हबीबी। वाह, मजा आ गया, चोखा। वाह मजा आ गया, वाह मजा आ गया। सो गाइज, अब हम जा रहे हैं अपने गांव के बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस पे, जहां से सनसेट बहुत सही दिखता है, तो चलो फिर। अरे वाह भैया, ओहो भाई साहब, सब जगह से धूप हट चुकी है, और यहाँ देखो वाह। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये वीडियो आपके पास आ रही है सीधे पहाड़ से। जिंदगी सरल, गांव में है घर, मुझ में सफर, तुझको खबर, अपने ख्वाबों को पूरा करने का सफर। तुरिया जान थी तेरा भाई, अब पहाड़ों की आवाज, थोड़ा वक्त लगा लेकिन हम भी तुर नवाज। क्या सीधे पहाड़ से दिल से लिखा गीत नहीं लिखा मैंने हाथ से, सीधे पहाड़ से ठंडी सी फिजाएं आई पिसले मेरे हाथ से, सीधे पहाड़ से डरी नहीं लगता या फिर शेर की दहाड़ से, सीधे पहाड़ से। और राजू और राजू। सो गाइज, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, कॉमेंट, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। भैया आपके कॉमेंट बहुत जरूरी है, और आप प्लीज, और आप कॉमेंट करें कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, प्लीज सजेस्ट। और हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वाचिंग दिस वीडियो। संजय दत्त हूँ जी मैं, संजय दत्त हूँ जी मैं। सीधे पहाड़ से दिल से लिखा गीत नहीं लिखा मैंने हाथ से, सीधे पहाड़ से ठंडी सी फिजाएं।